हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेणुका डोरा और आज मैं लेकर आई हूँ कटहल की अचार। तो कटहल की अचार बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही गजब तरीके से मैं बनाई हूँ। बहुत ही टेस्टी और यम्मी, जो आपके मुंह में जान डाल देगा और ये सालों भर चलेगा। तो हम इसको कैसे बनाए हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम कटहल लेंगे। कटहल ज़्यादा पकी हुई नहीं होनी चाहिए और आम लेंगे। आम भी अच्छा वाला आम, एक कच्चा आम मिलता है वो लेंगे। और कटहल और आम को, कटहल को हम छिलका निकाल के काट लेंगे और आम का भी हम गुट्टी निकाल लेंगे। आम को पहले धो लेंगे, धोने के बाद में आम को काटेंगे। कटहल को देखिए, मैं काटने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाली हूँ और नमक डाली हूँ और इसे स्टीम बॉयल करेंगे। इसमें हल्दी भी थोड़ा डाल दी 1 चम्मच। तो इसको हम 5-10 मिनट के लिए हम थोड़ा इसे बॉयल कर लेंगे, ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा जो पानी है, कच्चा पानी, वो निकल जाए। इसको हम छान लेंगे। तो देखिए, 5-10 मिनट होने के बाद हम गैस बंद कर दिए हैं और जितना पानी था एक्स्ट्रा, इसको हम छान दिए हैं। अच्छी तरह से छान लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कटहल में। और आम को भी धो के पोंछ के हम काट लेंगे, गुठली निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, कटहल और आम को एक बड़ा सा बर्तन लेंगे हम। यहाँ देखिए, प्लास्टिक का लिए हैं, उसमें हम कटहल को डाल दिए हैं। कटहल का पूरा पानी निकल गया था और आम दोनों को डाल दिए हैं यहाँ पे काट के। आम अगर आपको थोड़ा खट्टा चाहिए तो और आम डाल सकते हैं आप। फिर यहाँ पे ऊपर से फिर से मैं हल्दी डाली हूँ और नमक स्वाद अनुसार। दोनों डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे और इसको हम धूप दे देंगे। धूप में हम 1 दिन के लिए, दिन भर हम इसको रख देंगे इसी तरह से, ताकि जितना भी पानी है और अच्छी तरह से सूख जाए और इसमें नमक हल्दी अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ सरसों है, सरसों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो देखिए, 100 ग्राम के करीब यहाँ सरसों ली हूँ। सरसों को इस तरह से हमें हल्का भून लेना है। फिर मेथी दाना है, जीरा और सूखी मिर्ची। अब जितना झाल खाते हैं उतना सूखा मिर्चा लीजिए। जीरा 50 ग्राम और मेथी 25 ग्राम जैसा है। इनको हम भून लेंगे तीनों को। और यहाँ पे सरसों तेल भी गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तो ये भून रहा है और सरसों तेल भी हम हल्का गर्म करके और ठंडा करके हम डालेंगे अचार में। तो देखिए, हम सबका पाउडर बना लेंगे। जैसे मेथी और जीरा मिर्चा को हम भून लिए हैं और सरसों भी भून लिए हैं। इस सबको मिला के हम एक पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के पहले हम इसे ठंडा थोड़ा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ही पाउडर करेंगे। और यहाँ पे ली हूँ सौंफ और अजवाइन। सौंफ और अजवाइन को भी हम भून लेंगे, पर इसको हम पीसेंगे नहीं। और ये काला जीरा, सौंफ, अजवाइन और काला जीरा 25-25 ग्राम सबको हम ले लेंगे। और इसको भूनना नहीं है, इसे इसी तरह, मतलब पीसना नहीं है, इसको हल्का भून लेना है। अब देखिए, मसाला जो सरसों का था यहाँ पीस लिए हैं। यहाँ 1 दिन हो गया था ये आम और कटहल। अब यहाँ पे हम डाल देंगे मसाला को। एक दिन धूप दिखा के दूसरा दिन हम मसाला मिलाएंगे इसमें, या रात को मिलाएंगे। धूप दिखाने के बाद रात को ही पूरा मसाला मिला के हम इसे रखेंगे। तो यहाँ पे जितना मसाला है सबको हम डाल दिए, और जो भून के रखे थे मैं सौंफ, काला जीरा और अजवाइन, वो भी डाल दिए। तेल गरम हो गया है, गरम तेल में हम हींग डाल देंगे। और हींग डाल के हम थोड़ा ठंडा होने डालेंगे और इसी कटहल में हम डाल देंगे। और ये लहसुन है, लहसुन भी हम छिलका निकाल दिए हैं, लहसुन भी इसमें डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो आप और डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी। इसमें लहसुन डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। और ये सरसों तेल जो था, हम धीरे धीरे इस सारे कटहल में मिला लेंगे, कटहल और आम में। इसमें सरसों तेल और पड़ेगा दोस्तों बाद में, अभी तो मैं सिर्फ मसाला में डाल के मिला रही हूँ। पर ये जब हम बॉयल में डालेंगे तो सरसों तेल और पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सा पड़ेगा, ताकि ये ख़राब ना हो और सालों भर चले। तो देखिए, इसी तरह से मिक्स कर लिए हैं अचार को।
और इसको हम बॉयल में एक दिन ऐसे ही रखेंगे और दूसरा दिन हम इसे बॉयल में डाल के धूप दिखाएंगे, कम से कम जब तक धूप आ रहा है 1 महीना के करीब इस तरह से हम बॉयल में रख के धूप दिखाएंगे। तो दोस्तों कैसे लगा? अगर अच्छा लगा कटहल के अचार तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, चैनल पर न्यू हो तो बेल आइकन के साथ प्रेस करना। मिलते हैं अगले रेसिपी में। बाय बाय, टेक केयर।